नमस्कार दोस्तों, टैक्स पर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। बोल सकते हैं गुड न्यूज निकल के आ रही है। ईपीएफओ ने इसके बारे में सर्कुलर जारी किया है, बताऊंगा इस नए अपडेट के बारे में। उससे पहले अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, ईपीएफओ पीएफ यूएन केवाईसी से संबंधित लगातार अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहां पर मैंने ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर ली है और यहां पर देख सकते हो ईपीएफओ ने 11/9/2021 यानी कि 11 सितंबर 2021 को एक सर्कुलर जारी किया है। आधार सीडिंग ऑफ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन ऑफ ईपीएफ मेंबर्स फॉर रिसिप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चलान कम रिटर्न यानी कि ईसीआर टू फैसिलिट विड्रॉ बेनिफिट। और यहाँ पर एक पीडीएफ लगाया है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्कुलर का पीडीएफ ओपन हो गया है, देख सकते हो 11/9/2021। और सभी ईपीएफओ के जो क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिस है, उन सभी को ये सर्कुलर भेजा है। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने आधार कार्ड को यूएन अकाउंट के साथ लिंक करने को लेकर सर्कुलर जारी किया है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट में दे रखा है, और पहले भी जो सर्कुलर जारी किए थे ईपीएफओ ने उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर दे रखा है। इसके साथ साथ ईपीएफओ ने यहाँ पर ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि डेडलाइन फॉर आधार लिंकिंग ऑफ यूएन एक्सटेंडेड टिल 31/12/2021 फॉर एस्टेब्लिशमेंट इन नॉर्थ ईस्ट एंड सर्टेन क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्लीज चेक द सर्कुलर हेयर। यानी कि आधार कार्ड को यूएन अकाउंट के साथ लिंक करने की जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया गया है, कर दिया गया है 31/12/2021 यानी कि 31 दिसंबर 2021। बट ये जो है नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र है उनके लिए और कुछ स्पेशल जो कंपनियां एस्टेब्लिशमेंट है उनको रिलीफ दिया है। चलिए इस सर्कुलर में पूरी जानकारी दी है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। बाकी इस सर्कुलर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले तो यहां पर ईपीएफओ ने जब जब सर्कुलर जारी किया आधार कार्ड को यूएन अकाउंट के साथ लिंक करने को लेकर उसके बारे में यहां पर बताया है। इसके साथ साथ यहां पर देखिए ये जो कंपलसरी है आधार कार्ड को यूएन अकाउंट के साथ लिंक करने को लेकर, ये सेक्शन 142 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत जो है ये कंपलसरी है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर ईपीएफओ ने बताया है कि यहां पर देख सकते हो जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन सभी स्टेट के लिए, इन सभी क्षेत्र में जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, उनके लिए आधार कार्ड को यूएन अकाउंट के साथ लिंक करने की जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021 कर दिया। यानी कि इन स्टेट में जो भी कंपनियां हैं, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, वो उन पीएफ अकाउंट होल्डर्स की भी ईसीआर फाइल कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड उनके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है। और इसके साथ साथ यहां पर कुछ स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है राहत दी है, जैसे कि यहां पर देख सकते हो बीडी मेकिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड प्लेटेशन इंडस्ट्री, टी, कॉफी, कार्डमम, पेपर, जूते, रबर, कैसेनुट्स ईटीसी, और इनकी भी जो है लास्ट डेट 31/12/2021 कर दी है। और यहां पर बताया है कि इनके अलावा यहां पर देख सकते हो फॉर एरिया एंड इंडस्ट्री क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अदर देन अबोव, इनके अलावा जो भी क्षेत्र हैं, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनियां हैं, उनके लिए कंपलसरी है आधार यूएन के साथ लिंक करना, 1 सितंबर 2021 से लागू कर दिया है। तो यहां पर रिलीफ दिया गया है, फिर बता देता हूं, ओनली जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के क्षेत्र को, स्टेट को, जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। और उसके साथ साथ यहां पर कुछ जो स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है रिलीफ दिया है, बीडी मेकिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है, टी, कॉफी, कार्डमम, पेपर, जूते, रबर, चूना, कैश न्यूट्स, टाइम फॉर मैंडेटरी सेटिंग ऑफ आधार इन यूएन फॉर फाइलिंग फिलिंग ईसीआर इज एक्सटेंडेड टिल 31/12/2021। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था। अगर आप इस सर्कुलर को दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ।